हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ कहे जाने वाले और प्रयागराज में जन्मे हरिवंश राय बच्चन ने कई कृतियां लिखी, लेकिन जब उनका जिक्र होता है तो सबसे पहले तो सबके मन में मधुशाला जरूर आती है, जिसे आज की युवा पीढ़ी ने भी जरूर सुना और पढ़ा होगा। हरिवंश राय बच्चन का अपने बेटे यानी हिंदी सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ कैसा रिश्ता था, यह उनके प्रशंसक अच्छे से जानते हैं। अमिताभ अक्सर अपने पिता को याद कर भावुक होते हुए दिखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अमिताभ बच्चन ने अपने पिता से पूछ लिया था कि उन्होंने उन्हें जन्म ही क्यों दिया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने पिता से पूछ लिया था कि उन्होंने उन्हें पैदा ही क्यों किया। यह सवाल जरूर थोड़ा सख्त है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे के इस सवाल का जवाब बेहद ही दिलचस्प तरीके से दिया था। उन्होंने इस सवाल के बदले में एक कविता लिख डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सवाल आने वाले वक्त में भी रहेगा। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे क्यों पैदा किया था, और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें, और उनके बाबा को बिना पूछे उनके बाप ने उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा, कल भी होगी, शायद और ज्यादा। तुम ही नहीं लिख रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन का एक और किस्सा काफी चर्चित है, जिसमें समय का चक्र दिखाया गया है। हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे, लेकिन एक समय पर वह पैसा कमाने के लिए कवि सम्मेलनों में जाया करते थे, जहां पर उन्हें 500 से 1000 रुपये मिलते थे। इस काम को पूरा करने के बाद उन्हें घर लौटने में सुबह 3 से 4 बज जाते थे। तब अमिताभ बच्चन अपने पिता को हमेशा पूछते थे कि वह घर देरी से क्यों आते हैं। वही जब अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग में कदम रखा, तब वह भी 2 या 3 शिफ्ट में काम करते थे। कई बार वह सुबह 6 बजे भी घर पहुंचे हैं। इस वक्त हरिवंश राय बच्चन अपने बेटे से बोलते थे कि क्या बेटा, यह कोई वक्त है आने का? उस वक्त बिग बी भी बाबूजी का दिया जवाब दोहराते थे कि बाबूजी, पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।